Vices are defeated, purpose always fleeting. I poise questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing. All emotions to the start on your heart going numb. I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy, I can't see straight. I've been running on the freeway till I get blinded by the headlights. They go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly, has that been the right thing? Or should I have been a little bit more focused on the place that... हाँ तो भैया सलाम रावण सत श्रीकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। तो भाई आज है तारीख 1 अक्टूबर और हम लोग कर रहे हैं पद यात्रा मनाली में, मनाली की गलियों में इधर उधर घूमते हुए। ये हमारे रोड से रवि सरकार, कैसे हैं सर आप? ठीक है। ज़रा अपनी टोपी की चोटी हिला के दिखाएं हमें। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं सोलंग वैली के लिए, और सोलंग वैली के लिए हमने प्लान कराया कि हम लोग जाएंगे साइकिल से। जा तो हम बाइक से भी सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन यार साइकिल से जैसे हमने बहुत लोगों को देखा है और ऐसे कहते हैं कि सोलंग वैली साइकिल पे ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मस्त मस्त व्यू आते हैं। जा रहे हैं हम अपने साइकिल वाले के पास जो हमें देगा साइकिल, और वहाँ से चक के अपनी साइकिल निकल जाएंगे सोलंग वैली की तरफ। तो आज मोटर व्लॉग नहीं, आज साइकिल व्लॉग होगा, है कि नहीं? तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और पेट में भूख भी लगी है, पेट नहीं लगती है। ठीक है, तो कुछ खाना पीना भी देखेंगे क्या करते हैं, पहले साइकिल लेंगे या फिर कुछ खाएंगे, हमारे रवि सर डिसाइड करेंगे नीचे जाने तक, क्योंकि नीचे जाने तक हमारे 100 बार मूड बदलेंगे, है कि नहीं? तो साइकिल ले जाने से पहले हम लोग यहाँ रुके एक ढाबे पे, अंकित ढाबा नाम है इसका, हम लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो सोचा कि भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि पहले पेट भरेंगे तब साइकिल चला पाएंगे। अब खाली पेट साइकिल चलाने का क्या ही मतलब है, है कि नहीं भाई? तो इसलिए अभी पहले खाते हैं यहाँ पे। अभी ऑर्डर कर हमने आलू प्याज मिक्स पराठा मैंने और इसने भाई साहब ने पनीर का, दो चाय, मस्त खा पी के निकलेंगे। और आज धूप निकल रही है बीच बीच में, तो आज का मौसम बिल्कुल सही रहने वाला है, मतलब बाकी देखते हैं क्या कुछ है। गूगल बोल रही है कि दोपहर 2 बजे के बाद बारिश होगी, सो जो भी रहेगा पता चल ही जाएगा आपको, है कि नहीं सर? Been the right thing, or should I be more focused on where feet wanted to go? If I die right now, no lie, I'd have a few regrets. Wish I spent more time on biking instead of smoking cigarettes. Wish I worked more on music instead of alternating steps. Probably should have talked more to people I thought were interesting as heck. Probably should have gotten closer to my mom's after pops drowned out death. I wish the best, I wish that and all the rest. Sometimes. तो दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी हमारे लिए सरप्राइज़ लेके खड़ी रहती है, ठीक है? जैसे हमने आपको सरप्राइज़ दिया साइकिल से जाएंगे, ज़िंदगी ने हमको सरप्राइज़ दिया। क्या सरप्राइज़ दिया? नहीं बेटा, आप साइकिल से नहीं जा सकते। भाई सीन नया ऐसा हुआ कि मैं तो चलो आगे निकल गया था, रवि मतलब पूरा हम अपील आए कम से कम 1.5 किलोमीटर अपील आए, डाउन हिल आया 10 मीटर का। भाई ने आराम से साइकिल लेके ले जा रहा था, गियर उसके पता नहीं अटक गए, टूट गए, सारा गियर ही टूट गया इसका। ये आगे बढ़ भी नहीं ना पीछे, तो इसको इसलिए ऑटो में टांग के ले जा रहे हैं। यहाँ से जहाँ से हमने साइकिल ली थी यहाँ से पूरा डाउन हिल है, तो मैं साइकिल से जा रहा हूँ, रवि ऑटो से जा रहा है। तो भाई ये सीन हो गया, अभी मैं भी चलता हूँ और रवि वहाँ पहुँचेगा। पता नहीं यार आज दिन ही पनौती था, मैं बहुत आगे जा चुका था, हवा में रखना। तो भाई मैं तो देखो आगे जा चुका था बहुत ज़्यादा आगे, इनफैक्ट मैं रॉन्ग साइड पे चला गया था, एक फुटओवर ब्रिज आता है उसको क्रॉस करके मेरे को जाना था राइट में, और मैंने बंदे से पूछा भाई सोलंग वैली किधर है, उसने बोल दिया लेफ्ट में। वहाँ से मैं तकरीबन और ऊपर गया था 1.5 किलोमीटर, फिर मेरे को किसी ने बंदे ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो साइकिल लेके, तो भाई ऊपर सोलंग वैली बोला भाई यहाँ से सिर्फ पैदल जा सकते हो, साइकिल नहीं जा सकती आपकी, और मतलब बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। फिर मेरे पास रवि का फ़ोन आता है कि यार गौरव भाई अपनी साइकिल का यार गियर बॉक्स, मतलब गियर बॉक्स कह रहा हूँ, जो गियर जो है पीछे सेटअप को कम्प्लीटली टूट चुका है। फिर यार मैं वहाँ से वापस आया, फिर रवि को ढूंढा मैंने, उसके बाद अभी ऑटो में टांग के साइकिल जा रहे हैं हम लोग, प्लस अभी साइकिल वाले से चिक चिक पता नहीं क्या रहेगा यार। मैंने तो देखो उसे कहा, कॉल करा भाई देखो साइकिल का ऐसा ऐसा हो गया, तो बोला सर ये हमारी हेडेक नहीं है, ये आपकी हेडेक है, साइकिल दुकान तक लाओ। तो अभी यार जैसे तैसे हम ले रहे हैं, ऑटो वाला 100 रुपये लेगा ऑफकोर्स, लेकिन कोई नहीं यार जो होता अच्छे के लिए होता, छोड़ो अभी देखेंगे क्या कुछ रहता है साइकिल की दुकान पर, जो भी सीन होगा आपको क्या पता हम भी झपट जाए कहे ना मेरे गियर के रुपया। तो भाई साहब
और बता दूं, अगर आप सोच रहे हो रवि एमेचर ड्राइवर है मतलब साइकिलिस्ट है, तो ऐसी नहीं है। रवि डेली 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, इवन उसके पास ऐसी साइकिल है तो वो चलाता है ऐसे। रवि की तो कोई गलती खैर है नहीं, बाकी देखते हैं साइकिल वाले का क्या मूड रहेगा, क्या बोलेगा। Sometimes I wonder if I felt more at home in my own skin instead of always feeling fake. With my genuine moment, stop feeling off and out of place. And my smile seems strange. I walk like I'm trying on a wig, or a mask, or a laugh, or a face, or a faith in my place in this path. But so I'm trying to change that and live inside the moment, not the past. See the present unwrapped, cause the moment's all we have. Whew, yaar, aap logon se haath jod ke maafi mangna chahunga kyunki aaj phir se कल के व्लॉग की तरह जंप कट लगे जा रहे हैं। तो सीन ये है कि ऑटो से हम लोग गए अपने रूम पे, रूम से बाइक उठाई और अभी हम जा रहे हैं सोलंग वैली की तरफ। तो अभी जब हम आ रहे थे रास्ते में बारिश हो गई थी फिर से, तो मैंने अपना एक्शन कैम वापस अंदर रख लिया था, अभी बंद हो गया तो वापस बाहर निकाल लिया। क्योंकि यार लद्दाख में जब मैं लद्दाख राइड कर रहा था, नेपाल सिक्किम में, दोनों में मैं अपना कैमरा गीला कर चुका हूँ। और यार वो तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि कैमरा फिर भी सर्वाइव कर जाता है, तो इसलिए अभी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैं जब भी बारिश आती है नीचे रख देता हूँ अपने टैंक बैग में, तो ये इशू हो रहा है। और नज़ारे बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। ये जो रोड है आप यूँ कहोगे, मैं लास्ट ईयर ही आया था, मुझे ध्यान भी नहीं आया कि यार मैंने यहाँ पर बाइक चलाई थी, फिर पता नहीं क्या सीन है। मतलब लग रहा है मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ यार, सच्ची। बस ये लगा लो हमें सुबह से झटके मिले जा रहे हैं। पहले वो साइकिल वाला झटका, फिर भाई साहब उसने रुपए मांग लिए हमसे, जो भी उसका पार्ट ख़राब हुआ था उसके, तो वहाँ पे एक पटका लगा। अब मैं बस ऊपर वाले से दो कर रहा हूँ कि ऊपर वाले प्लीज़ अभी बारिश मत दिला दो यार मेरे को आगे कम से कम व्लॉग तो मेरे को अच्छा बन जाना चाहिए, क्योंकि एपिसोड 1 पूरा था 600 किलोमीटर का था यार, बहुत प्यारा व्लॉग बनता उसका अपना रोहतक टू चंबा, लेकिन वहीं फिर बारिश का था तो थोड़ा लेफ्ट साइड में देखो यार क्या नज़ारा है, तो उसकी वजह से। अरे सेब लगे हुए खुले में, वाह, आई थिंक बाग के होंगे खुले में, तो शायद ऐसे लग रहा होगा, हाँ बाग ही लग रहा है मुझे। तो ये चीज़ तो हमने खैर चंबा में देख ली थी। मैं एक बात और आपको शेयर करना चाहूँगा कि जैसे जब हमने उस बंदे से साइकिल ली तो एक ही किलोमीटर गए थे यार, उसमें रवि का वो जो पॉकेट था साइकिल का ऐसी कुछ था, उस पार्ट उसका वो टूट गया था और एक कुछ एंगल बैंड हो गया था, ऐसा कुछ सीन था। अब मैं ये नहीं डिफेंड करूँगी, हाँ भाई रवि पहलवान है, एक्सपर्ट है, मैं ये कहना चाहूँगी देखो रवि भी साइकिल चलाता है, उसके पास है ऐसी, और वो डेली आई थिंक 10 से 14 किलोमीटर चलाता है, वो मेरे को बता रहा था। तो वो बंदा कह रहा है आपको जब चलानी ही नहीं आती तो आप लेते क्यों वगैरह वगैरह, मतलब ड्यूड यार हम तेरे से आराम से बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आराम से बात करना। अब हमने उसे कहा कि हमारे पास कैश नहीं है जो आपको पैसे देने, हमको पेटीएम वगैरह कर देते हैं, कहता पेटीएम तो है ही नहीं। तो बस रवि ने इतना कहता कि सर आपका इतना बड़ा बिज़नेस, आप कह रहे हो कि आपको हर कोई जानता है उसमें मनाली में, तो आपका तो होना चाहिए। तो वो इसी में भड़क गया, वो कह रहा है सर आप कैसे बोल रहे हो, अपनी ज़ुबान सुधारो वगैरह। यार अब मैंने कहा रवि देख पैसे दे और आगे निकल। लाइक उसमें जो साइकिल जो हम लोगों ने ली थी उसमें हल्की हल्की जो फॉल्ट आ रही थी, रवि भी बता रहा था उससे पहले, पता नहीं कुछ क्या बता रहा था उसको कि भाई इसमें ये कमी है, तो वो कह रहा था नहीं ऐसे ही होता है। मेरी साइकिल में हल्की सी हवा कम थी, वो पता नहीं हवा कम थी ही या क्या सीन था, मतलब ये था कि मुझसे जो भी इशू कह रहे थे ना वो कह रहे थे नहीं ऐसे ही होता, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इधर से किधर जाना है नो आइडिया। तो सोलंग वैली के लिए सीधा ही जाना है, आई थिंक हमारे रूम से 15 किलोमीटर दूर थी सोलंग वैली, और मे बी हम लोग 4-5 किलोमीटर आ चुके हैं, तो शायद 10 बची हो, बाकी जो भी है पता चलेगा आगे। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो सोलंग वैली में गया नहीं था, क्योंकि मनाली में क्या हुआ, मैं शाम को पहुंचा था, हम लोग चले थे तंगलंगला पास के पीछे से एक गाँव है उसका नाम नहीं याद मुझे अभी, वहाँ से चले थे और सीधा मसूरी कह रहा हूँ यार मनाली आके रुके थे हम लोग। फिर मनाली में मैं आया, थका हुआ था, सो गया और सुबह उठ के निकल गया, खाली हिडिंबा टेम्पल घूमा था, तो सोलंग वैली और आसपास की जगह रह गई थी। और अभी मुझे छोटे छोटे एक दो काम में से पहला काम तो ये है कि मुझे टायर पंचर एंटी पंचर सॉल्यूशन डलवाना है, क्योंकि उसके मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो मैं नया टायर डलवाया था राइड पर आने से पहले, आगे वाला टायर तो मेरी कंडीशन ठीक है तो उसमें तो ऑलरेडी डला हुआ है सॉल्यूशन, पीछे वाले टायर में मेरे को डलवाना है, और प्लस मेरे को चेन टाइट करवानी क्योंकि अपना रोहतक टू ये मनाली टोटल 650 के आसपास पड़ रहा है किलोमीटर्स, और अपनी बाइक को जब अपनी 100cc हम लोग चलाते हैं हमें यहाँ पर 500 किलोमीटर पर अपनी चेन टाइट करवानी चाहिए, तो 600 से ज़्यादा हो चुके हैं, और कल हमको निकलना है कुंजुम।
तो इसलिए चेन टाइट डिस्क की करवानी है, प्लस इसमें सॉल्यूशन डलवाना है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि स्पीति में अगर दिक्कत आ गई ना तो ये लगा लो व्हीकल उधर ही छोड़ना पड़ेगा। अरे फर्स्ट गियर में लगानी पड़ेगी, इधर तो प्यार से जाना पड़ेगा। और ये आई थिंक बनने के बाद वो ग्रीन कलर का जो पुल है इधर से निकलेगा वो। वाह, छोटा सा एक वाटरफॉल इधर से निकल रहा है ऊपर से। तो बस ऐसे ही चलना होता है 100 cc पे, स्लो चलेगी ये बात आपको ही पता है, बस ऐसे ही चलते रहो, कभी सेकंड कभी थर्ड कभी सेकंड। अभी थर्ड पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो हल्का सा सेकंड गियर चलो। बाकी बारिश अभी हो नहीं रही है, और बारिश हुई भी तो आपको पता है एक्शन कैमरा सीधा टैंक बैग में ही जाना है। अरे 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 स्लो स्लो स्लो, गोरा बहानों में बह गया। ओ पता है आप ये इसका चाहे एडवांटेज लगाओ या डिसएडवांटेज, जब ऐसे हिली एरिया पे चला देना तो बाइक चलती है स्लो। स्लो का एक मेरे को एडवांटेज हमेशा ये रहता है, चलो निकाल लेता हूँ खाली आके। स्लो का एडवांटेज ये रहता है कि आप पूरी वैली को आराम से देख सकते हो। बाइक स्लो चल रही है, आपको टेंशन नहीं है, बस भाई कहीं मुँह उठाओ कहीं देखते रहो आराम से। 30-40 चलती रहती है। खैर अभी 40 कर रहा हूँ, 45 इसने टच कर दिया है, और मैं जब से बोले जा रहा हूँ तो अभी कैमरा, अरे देखो आप यूँ कहोगे एक्शन कैम ऑफ करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन चलो रिकॉर्ड करते रहते हैं, अगर अच्छा होगा तो अपना एडिट में डाल देंगे, और अगर नहीं अच्छा होगा तो एडिट में खच खच कट लगा देंगे भाई साहब, है कि नहीं। शायद हम आ गए या क्या सीन है, खैर उधर अभी बताएगा। खैर कहते हैं यार देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब क्या पता हमारा साइकिल से अच्छा मतलब नहीं आना, क्या पता अच्छा हो, क्या पता हमें आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। खैर जो भी होता भगवान ने अच्छे के लिए किया है। खैर अभी हमें नहीं लगेगा कि अच्छा उसमें क्या है, लेकिन अच्छा ही है उसमें जो भी है। और यहाँ पर कोई रियल पबजी पेंट बॉल, तो भैया पबजी का ऐसा क्रेज है यहाँ पे सब खेलने आते होंगे शायद। और यहाँ पर ये ADVs खड़ी हैं, आई थिंक ADV ही कहते हैं शायद इसको, ये लोग आ रहे चार चार, मतलब चार टायर वाली मैं कह रहा हूँ, चार चार आ रहे। वाओ यार बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। सो गाइज अभी हम लोग रूम पे आ गए, एक और जंप कट आपको देखने को मिला। हुआ क्या कि जहाँ पर मैं मोटो व्लॉग कर रहा था वहाँ से मोटो व्लॉग करते करते हम लोग पहुँचे सोलांग वैली, ठीक है। अब वहाँ पर गए तो पता चला कि वहाँ पर होती है पैराग्लाइडिंग, और रोप वे से एक ऊपर जाने का था और वहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू था, तो रोप वे का जो प्राइस था वो था 650 रुपये का, और पैराग्लाइडिंग आई थिंक 1200 कुछ का था। सो अगर हम ये दोनों में से कोई एक चीज़ करते तो हमारा बजट हिल जाता, क्योंकि पहले हम साइकिल वाले को जो उसका पार्ट टूटा था उसके पैसे दे के थोड़ा बजट हमारा ऑलरेडी हिल चुका है, तो वहाँ देते तो ख़त्म हो जाता बिल्कुल। तो इसलिए हम बस वहाँ पे गए, कुछ खास वहाँ पे मतलब था नहीं सोलांग वैली में, तो बस वहाँ से ऐसे थोड़ा बहुत वीडियो बनाया और आ गए। उसके बाद थोड़ा सा आगे आए तो वहाँ पर हमने चाय, मैगी और मोमोज, ये तीन चीज़ खाए वहाँ पर। इतनी ख़राब किस्मत है ना, बस क्या बताएं कितनी ख़राब है, मुझे भी नहीं पता। बारिश सिर्फ बारिश। आज के दिन है, लेकिन सिर्फ आज के दिन इसको डाल ले मैगी, मतलब अच्छा इतनी बारिश क्या बताऊं यार। फिर वहां से हम लोग चले फुल बारिश में, उंगलियां मतलब ऐसे कट के गिरने होगी इतनी ज्यादा ठंड, और अभी जस्ट रूम पे पहुंचे बहुत ज्यादा मुश्किल से, और अभी टाइम हो चुका है 4:02, ठीक है। और अभी रूम पे आए, कुछ काम है तो वो परमिट बनवा रहा है, और फिर इसके बाद मेरे हेलमेट का एंटी फॉग बनाएंगे इससे। ये एक एग्जोर का है एंटी फॉग वाइजर इंसर्ट, तो ये 700 का मैंने लिया था दिल्ली से, तो एक ये अभी लगाना, क्योंकि यार फॉग बहुत जम जाती है अगर, जैसे मैं वाइजर बंद करके बोलता हूँ तो पता ही आप लोगों को, वो चीज़ से बचने के लिए। और सॉक्स वगैरह जितनी मैं डाल गया था वो सब गीला हो गया, सो दिक्कत हो रही है आज भाई बहुत, लेकिन फाइनली रूम पर पहुँच गए, और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ और उठूँ ही ना। तो व्लॉग अगर आज का मेरे को नहीं लगता है कोई अच्छा होगा भी या नहीं, क्योंकि एपिसोड 1 भी हमने खाली जंप कट में निकाल दिया, कल का एपिसोड थोड़ा वो ठीक ठाक था, और आज का एपिसोड पता ही आप लोगों को यार, ठीक है। सो
इस चीज़ के लिए सॉरी। और कल पूरी कोशिश है हम लोग निकलेंगे लिए कुंजुम पास के लिए, चंद्रताल में हम लोग स्टे करेंगे कल, देखते हैं क्या कुछ। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ठोकना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक ठोकना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है भाई। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद, और बस। Sometimes I wonder if I felt more at home in my own skin. Instead of always feeling fake, with my genuine moments stop feeling off and out of place. And my smile seems strange. Bop, rip, bop. Rotang pass. Nikal gaya, aa jao. धीरे धीरे आने दे, धीरे 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 धीरे। और रास्ता देखो अब है ऐसा, कंप्लीट ऐसा है, बम 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 बम, बिल्कुल बम्प से बम्प्स हैं, रोड का तो आर भी नहीं है। अरे अरे ओ, 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 ओ भाई यार, बट 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 फ्री मसाज, फ्री बॉडी मसाज। आ कमर बिल्कुल टूट गई यार, उफ, उफ, यार इधर क्यों आया मैं।